ये चाहे कि मेरी बहन जैसे तरफ तरफ के मर ही रहे, उससे उसको उससे ही बड़ा सजा मिले। उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। गंगाई नदीम था जिस पर पुलिस पर गोली चलाने और पत्थर फेंकने का आरोप था, उसको सरकारी खर्चे पर एयरलिफ्ट करके भेज दिया गया दिल्ली इलाज के लिए। 6 दिनों तक ये रिम्स में इलाजरत रही, इसे क्यों नहीं हायर सेंटर में रेफर किया? चाहे कि मेरी बहन जैसे तरफ तरफ के मर ही रहे, उससे उसको उससे ही बड़ा सजा मिले। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। ये अंकिता की आखिरी इच्छा थी कि जिस तरह से दुमका के हैवान शाहरुख हुसैन ने उसे जलाकर मारा, उसे भी ऐसी ही मौत दी जाए, उसे भी तड़पा तड़पा कर मारा जाए। लेकिन क्या सिस्टम अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दुमका में एक सिस्टम काम कर रहा है जो अंकिता जैसी तमाम बेटियों का दुश्मन है, और इस सिस्टम का मास्टर माइंड है DSP नूर मुस्तफा। अंकिता को सिस्टम ने मारा, सिस्टम का मास्टरमाइंड DSP नूर मुस्तफा। शाहरुख हुसैन पुलिस हथकड़ी में यूं ही नहीं मुस्कुरा रहा, उसे मालूम है कि सिस्टम उसके साथ है। ऐसे में सरकार और विपक्ष कितना भी हाय तौबा मचाए, ये सिस्टम उसे बचा लेगा। BJP नेता निशिकांत दुबे बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहते हैं कि अंकिता हत्याकांड में नूर मुस्तफा की भूमिका बेहद संदिग्ध है, और तुष्टिकरण वाली सरकार में उसे पूरी पनाह मिली हुई है। हम बच्ची का जान नहीं बचा पाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रशासन बटा हुआ है। जो वहाँ के SDPO हैं नूर मुस्तफा, उसकी भूमिका जो है बहुत ही संदिग्ध है। पूरा दुमका आक्रोशित है। समाज में कई कुकृतियां वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। यह जो घटना हुई है, यह घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है, और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, लोग पकड़े भी गए हैं। झारखंड में सनातन विरोधी सिस्टम का पुर्जा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने खोल कर रख दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने अंकिता की मौत के बाद उनके परिवार को 10 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है, और पुलिस महानिदेशक को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट देने को कहा है, उनका वो सिस्टम समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जून के दूसरे हफ्ते में सिरतन से जुदा गैंग ने रांची में जमकर बवाल काटा था। शहर में दंगाई पुलिस पर गोली चला रहे थे और मंदिरों में पेट्रोल बम फेंक रहे थे। उसी दौरान दंगे के एक आरोपी नदीम को गोली लग गई। सिस्टम फौरन एक्टिव हुआ और नदीम को एयर एम्बुलेंस से गुरुग्राम लाकर उसका इलाज सरकारी खर्चे पर हेमंत सोरेन ने करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस सिस्टम की पोल खोलते हुए CM सोरेन से पूछा है कि क्या अंकिता को दिल्ली लाकर बेहतर इलाज नहीं कराया जा सकता था? एक दंगाई नदीम था जिस पर पुलिस पर गोली चलाने और पत्थर फेंकने का आरोप था, उसको सरकारी खर्चे पर एयरलिफ्ट करके भेज दिया गया दिल्ली इलाज के लिए। 6 दिनों तक ये रिम्स में इलाजरत रही, इसे क्यों नहीं हायर सेंटर में रेफर किया गया? अंकिता का इलाज भी नदीम की तरह बिल्कुल दिल्ली में हो सकता था, लेकिन सिस्टम ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि अंकिता अगर बच जाती तो शाहरुख हुसैन को फांसी लगनी तय थी। लेकिन सिस्टम शाहरुख को इसलिए बचाने में लगा रहा क्योंकि उसे तुष्टिकरण की राजनीति को खाद पानी देने का हुक्म ऊपर से मिला है। इस घटना से झारखंड शर्मसार है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आज दुखी है। जो भी घटना के पीछे जो भी दोषी हैं, जो भी इसमें संलिप्त हैं, आपने देखा होगा कि आज भी गिरफ्तारी हुई है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। खाकी में खलनायक, झारखंड में आदिवासियों सनातनियों के हत्यारे सिस्टम के मास्टरमाइंड DSP नूर मुस्तफा ने ऐसा पहली बार नहीं किया।
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुस्तफा के गुनाहों की पूरी फहरिस्त गिनाई है। जला देने वाले शाहरुख की बेखौफियत कितनी ज्यादा है कि इतनी बड़ी हैवानियत के बाद भी पुलिस हिरासत में वो मुस्कुरा रहा है। आप देख सकते हैं कि हथकड़ी में जकड़ा शाहरुख पुलिस हिरासत में भी किस कदर निश्चिंत और बेखौफ है। मेरे गाँव की कहावत है, मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को, अंकिता की मौत अगर हुई है तो वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, उसके परिजन और अंकिता जैसा आ रहा है खबर, वो गुहार प्रशासन से पहले कह रही थी कि मेरे साथ ये घटना घट सकती है, लेकिन तुष्टिकरण की नींद में सोई हुई प्रशासन कोई चिंता नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पूरे लाव लश्कर के साथ पिकनिक मनाने जाने से पहले सुरेंद्र सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने रिम्स जाकर अंकिता का हाल जानने की जरूरत क्यों नहीं समझी। अंकिता की हालत अगर गंभीर थी तो उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेजने के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। तुष्टिकरण के नशे में धुत ये वही सुरेंद्र सरकार है जिसने 2.5 महीने पहले दंगा के आरोपी नदीम को सरकारी खर्चे पर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा था, जबकि नदीम पर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप था। इसी तरीके से एक दंगाई नदीम था जिस पर पुलिस पर गोली चलाने और पत्थर फेंकने का आरोप था, उसको सरकारी खर्चे पर एयरलिफ्ट करके भेज दिया गया दिल्ली इलाज के लिए। 6 दिनों तक ये रिम्स में इलाजरत रही, इसे क्यों नहीं हायर सेंटर में रेफर किया गया? क्या इसलिए सिर्फ कि इसका नाम अंकिता था नदीम नहीं? ये तुष्टिकरण भरी वाली सरकार है और हम मानते हैं ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। अंकिता मासूम थी, अंकिता नाबालिग थी, अंकिता बेगुनाह थी, लेकिन दुनिया से रुखसत होने से पहले उसने हैवानियत का नंगा नाच देखा। अब उसकी दर्दनाक मौत के बाद ये देश महानतम बुद्धिजीवियों की आपराधिक चुप्पी देख रहा है। फर्ज कीजिए कि अगर ये मामला उल्टा होता तो अब तक लेफ्ट लिबरल गैंग की डफली की थाप से पूरा देश गुंजायमान हो गया होता, इनकलाबों के नारे की गूंज से आसमान फट गया होता, इंडिया गेट की परिक्रमा करने के लिए इतनी ज्यादा मोमबत्तियां खरीदी जाती कि मोमबत्ती इस देश से आउट ऑफ स्टॉक हो गया होता, सोशल मीडिया के लेफ्ट लिबरल धुरंधर इतना ज्यादा एक्टिव हो जाते कि यूनाइटेड नेशंस की चूले हिल गई होती। अंकिता अगर मुस्लिम समाज की लड़की होती और कोई हिंदू किया होता, आज टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी सहित वहां जाते और पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बनाते। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के इसी दो मुहेपन ने आज तुष्टिकरण के मसीहाओं को बेनकाब कर दिया है, साथ ही हिंदुस्तान के सनातनियों को उद्वेलित कर दिया है। मासूम अंकिता की दर्दनाक मौत पर आज समूचा देश शोकाकुल है। पूरे देश से यही आवाज उठ रही है कि बस।